आज हम आपके लिए पांच ऐसे गेम लाए हैं जिन्हें आप सिर्फ हाईएस्ट डिवाइस पर खेलें, लोएस्ट डिवाइस पे कतई ना खेलें। नंबर वन टॉसिटी, ये एक कमाल का गेम है और ये गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है जिसका साइज 2.5 GB का है। ये एक एक्शन ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के वेपन मिलते हैं और इसमें अलग अलग तरीके की जंगल की लोकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको डायनासोर और जंगली लोग और अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे जो कि आपका शिकार करेंगे और आपको इनसे बचना होगा क्योंकि आप यहाँ स्पेसशिप से छोड़े जाएंगे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपको हाईएस्ट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास हाईएस्ट डिवाइस है तो आप तभी इस गेम को खेल पाएंगे क्योंकि ये गेम 2.5 GB का है और ये सिर्फ हाईएस्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल है। नंबर टू, ARK सर्वाइवल, ये भी एक सर्वाइवल गेम है। यहाँ पे भी आपको डायनासोर मिल जाएंगे और आपको इनको मारकर खुद को बचाना है। ये गेम बहुत पुराने टाइप का यानी कि जंगली गेम है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जंगली गेम टाइप का गेम है जहाँ पे आपको हथौड़ी, कुल्हाड़ी, अनेक प्रकार की चीज़ें मिलेंगी और आपको आग भी जलानी होगी क्योंकि आपको अपना खाना खुद पकाना है, यानी कि आपको जंगल में जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। इस गेम में आपको हाईएस्ट ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको हाईएस्ट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इस गेम में आपको कुटिया देखने को भी मिलेगी। ये गेम लगभग 4 GB का है जिसके लिए आपको हाईएस्ट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ये गेम अब तक PC पर बहुत ज़्यादा हिट रहा है और इसे जल्द एंड्रॉयड में लॉन्च करने वाली है ये कंपनी, तो ये गेम सिर्फ अभी तक हाईएस्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल है। नंबर थ्री, लाइफ आफ्टर, ये गेम भी ऑनलाइन सर्वाइवल गेम है। इसमें भी आपको बहुत सारे वेपन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमी और जॉम्बीज वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपको इस गेम में सर्वाइवल भी करना है और आपको फीलिंग भी बैटल रॉयल वाली आएगी। ये गेम एंडलेस गेम है जो आप खेलते जाएंगे और ख़त्म नहीं होता है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के एनिमी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बड़े बड़े कीड़े मकोड़े से बचना है और इनके इन्फेक्शन से भी बचना है क्योंकि इनका इन्फेक्शन का खतरा होता है तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है और आपको अपनी हेल्थ बचा के रखनी है। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही अमेजिंग है और ये गेम बहुत ही हाईएस्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल है। ये गेम लगभग 3.9 GB का है, यानी कि आपकी 4 GB तो इसमें खर्च होनी है। ये गेम अब तक का सबसे हिट गेम है और आपको इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नंबर फोर, रिपब्लिक क्यू, ये गेम बहुत ही अच्छा गेम है। इस गेम में एक लड़की है जिसे कैद किया गया है और इस लड़की के साथ अजीब एक्टिविटी हो रही हैं जिसमें एक हैकिंग के लिए लैब है और इस लड़की के साथ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं और उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये गेम एक स्टोरी टाइप का गेम है। इसके ग्राफिक्स रियलिस्टिक लगते हैं, ये देखने में थोड़ा डरावना सा भी लगता है। इस गेम में लड़की को बचाना है और उसे वहाँ से निकालना है। ये गेम भी हाईएस्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल है क्योंकि इस गेम का साइज़ 3.7 GB का है, तो यानी कि आप इसका आनंद हाईएस्ट डिवाइस पर ही ले सकते हैं। नंबर फाइव, फाइट नाइट, ये गेम भी पता नहीं कितने GB का है लेकिन लगभग 8 GB का ये गेम है। ये गेम बहुत कमाल का गेम है। ये भी एक बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में 100 प्लेयर उतरते हैं। इस गेम के लिए आपको बहुत हाईएस्ट डिवाइस चाहिए। ये गेम आपको गूगल प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल हो गया है। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इस गेम के लॉन्चर के बिना ही आप इस गेम को आसानी से खेल सकते हैं। ये गेम काफ़ी बड़ा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस गेम में 100 प्लेयर उतरते हैं और इस गेम को आपको खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। आपको हमने जितने भी गेम बताए ये सारे हाईएस्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल हैं, इसे लोएस्ट डिवाइस पे बिल्कुल ना खेलें। अगर आपको इन गेमों को खेलना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।